नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्प सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जी हां, कैप्टन कूल, जिन्होंने पिछले महीने नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब एक बार वो एक नई पारी की आगाज करने जा रहे हैं। जी हां, लेकिन वो फील्ड क्रिकेट का नहीं होगा, ये फील्ड है बॉलीवुड का। आपने सही सुना है, वे अब बहुत जल्द बॉलीवुड में अपनी डेब्यू फिल्म करने वाले हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो समीर कार्निक इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म का नाम है डॉग हाउस और ये फिल्म एक हॉलीवुड में अवार्डेड फिल्म से इंस्पायर्ड, या यूँ कह सकते कि उसका कॉपी हो सकता है। ये अ कंट्री फॉर ओल्ड मैन हॉलीवुड की एक अवार्ड विनिंग फिल्म है। इस फिल्म से महेंद्र सिंह धोनी बॉलीवुड में अपनी डेब्यू करेंगे। अगर इस फिल्म के अन्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो इसमें संजय दत्त पहले से ही साइन है और इसमें सुनील शेट्टी और इमरान हाशमी से भी बात की जा रही है इस फिल्म में काम करने के लिए। बताया यह जा रहा है कि इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अगले साल तक ये फिल्म फ्लोर पर जा सकती है। और इस फिल्म से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि पहली बार सिल्वर स्क्रीन पे महेंद्र सिंह धोनी को देखना अपने आप में एक रोमांच से कम नहीं होगा। तो इस फिल्म का बेसब्री से हम सब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक तोहफा होगा। हम सब क्रिकेट प्रेमियों को इंतज़ार होगा इस फिल्म का, ना केवल क्रिकेट प्रेमी बाकी और भी जो बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं, फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं और जो महेंद्र सिंह के फॉलोवर है वे खासकर इंतज़ार करेंगे इस फिल्म के लिए। प्री प्रोडक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अगले साल ये फ्लोर पर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी से इंस्पायर्ड फिल्म एमएस धोनी, जिसमें लेट सुशांत सिंह राजपूत ने परफॉर्म किया था और वो फिल्म हर एंगल से काफ़ी सराहा गया था और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया था, काफ़ी सफल फिल्म रही थी। इसके कारण ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी होगी और इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एक महेंद्र सिंह धोनी को एक अलग अंदाज में देखने का एक अलग रोमांच होगा। आज तक हमने उन्हें हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए देखा है, विकेट कीपिंग करते हुए देखा है और बैटिंग जब वो करते हैं तो जब तक क्रीज पे महेंद्र सिंह धोनी है तब तक जो विपक्षी टीम है उसे अपने जीत का अंदेशा लगा रहता है। लेकिन अब उस सब से हटके सिल्वर स्क्रीन पे महेंद्र सिंह धोनी कितना कामयाब होंगे ये तो जब फिल्में रिलीज होंगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम सब बहुत खुश हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अपने लाइफ का दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं बॉलीवुड में एंट्री करके। तो चलिए, हम सबको इंतज़ार रहेगा इस फिल्म का, जल्द से जल्द ये फिल्म फ्लोर पे जाए, फिल्में बने और हमारे सामने हम सब के लिए सिनेमा घरों में प्रदर्शित हो, हम सब का जो इंतज़ार है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है और उम्मीद ये हम जता रहे हैं कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने, कैप्टन कूल ने क्रिकेट में मिनी वर्ल्ड कप, एशिया कप, वर्ल्ड कप और सारे कप उन्होंने जिस तरीके से अपने देश के लिए जीत के लाया, ठीक उसी प्रकार बॉलीवुड में भी वो धमाल करेंगे और एक बेहतरीन पारी खेलेंगे। हम सब की विशेष उनके साथ है। बॉलीवुड हेल्प सेंटर हमेशा आपको अपडेट करता रहेगा जब भी कोई नया अपडेट आएगा इस फिल्म से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि आप सब ने काफ़ी प्यार दिया है, बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ गए हैं, काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अगर आप जो नए लोग हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप भी अगर बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हो, बॉलीवुड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट टिप्स कि कैसे आप बॉलीवुड में अपना कैरियर बना सकते हो और भी बहुत सारे बॉलीवुड अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हाँ, आप
bollywoodhelpcenter.blogspot.com पे आप हमारे आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल उस पर डाले जा रहे हैं, आप वहाँ भी उससे फॉलो कर सकते हैं उस ब्लॉग को, और आप वहाँ पे अच्छी अच्छी जानकारी वहाँ से भी आप ले सकते हैं।